सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मजार बताया गया समंदर के अंदर, एक मजार अवैध रूप से बनाई गई और उस मजार पर अब कार्रवाई हो गई है, उसे तोड़ दिया गया है, इस पे माहिम दरगाह ट्रस्ट का क्या पक्ष है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ मजार थी। ये मजार कभी थी ही नहीं। मजार इधर है मखदूम शाहबा की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था, जिधर मखदूम शाहबा वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते थे ख्वाजा खेदर हयातुल नबी से। वो आके उनको एजुकेट करते थे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आते थे उससे। और उनकी एक दूसरा एक और चिल्ला था जो माहिम पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन जो है वो पब्लिक के लिए इतना ओपन नहीं है। लोग या मजार पे आते थे, फातिहा पढ़ते थे और वो चिल्ले पे आते थे, वहां से ब्लेसिंग्स लेते थे। तो ये जो है पहले मिसकंसेप्शन आप लोग के माइंड से निकाल देना चाहिए कि वहां कोई मजार थी या मजार कुछ तोड़ा गया। दिस इज नथिंग लाइक इट। इनफैक्ट ये जो मिस्टर ठाकरे का जो क्लेम था कि जो वहां अनऑथराइज कुछ बना हुआ है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिस्टर ठाकरे का रिस्पेक्ट जो है वो मखदूम शाहबा में भी है, क्योंकि उनकी फैमिली भी इधर आती है। उन्होंने कोई इस पर स्पेसिफिक नहीं बोला होगा कि भाई मखदूम शाहबा का चिल्ला को तोड़ो। उन्होंने ये बताया होगा कि ठीक है, उसके आजू बाजू जो भी अनऑथराइज है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फाइन, जो भी अनऑथराइज है, वी आर ऑल्सो लॉ अबॉइडिंग सिटीजन। अगर उसके ऊपर आजू बाजू पे एक्शन होता है और अनऑथराइज चीज है और गवर्नमेंट उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेती है, वी आर हैप्पी। अनऑथराइज चीज तो टॉलरेट भी होना चाहिए एक लॉ अबॉइडिंग सिटीजन को। और आज भी जो एक्शन हुआ है आज सुबह में, वो एक्शन जो है वो अनऑथराइज पे हुआ है। आज भी वो चिल्ला जो है वो इंटैक है। एंड वो चिल्ले जो, बिकॉज क्या होता है कि हाई टाइड के टाइम पे वो दिखता नहीं है, और जब हाई टाइड चली जाती है तो यू कैन सी द चिल्ला एंड स्टिल द पीपल। जब हाई टाइड नहीं होती तो पीपल गो देयर और कुरान शरीफ पढ़ते और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते। सर, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे ध्यान लाना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर था वो बकायदा दिख रहा था कि उस पर चद्दर चढ़ाया गया था, मजार जैसी ही दिख रही थी, तो वहां पर तो अवैध निर्माण किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, इसका एक अलग ट्रस्ट है, बिकॉज हम लोग मखदूम शाहबा के मेन ट्रस्ट से जुड़े हुए, वो एक ट्रस्ट अलग है। और वहाँ क्या होता है कि लोगों का बिलीफ और मोहब्बत इतनी होती है कि कभी कोई चादर चढ़ा देगा, कभी कोई फूल चढ़ा देगा। हालांकि ये सब जो है चादर और फूल जो है वो मजार पे चढ़ते, ये चिल्ले पे चढ़ते नहीं। चिल्ले पे क्या होता है कि लोग वहाँ जाते चिल्ले पे, क्योंकि कुरान शरीफ एजुकेशन मखदूम शाहबा ने लिए तो वहाँ जाके कुरान शरीफ पढ़ते थे और आ जाते थे। सो दिस वॉज दी ओनली थिंग। अभी वो लोगों ने अपनी मोहब्बत में अगर चादर चढ़ा दी तो ये लाखों लोग आते, हर कम्युनिटी के लोग आते। सेकेंडली, वो टाइम पे यानी वी कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारों कुछ चीज़ की उसमें कुछ बढ़ाने की या घटाने की कुछ जरूरत है। देर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। लेकिन वहां पे जिस तरह से अगल बगल में और कवर किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, यही बात को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि एक अलग दरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है। कवर किसने डिलिबरेटली नहीं किया है, वो क्या होता है कि जब लो टाइड जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि स्ट्रेट पैसेज वहां बन जाता है, और वहां जो पत्थर होते हैं वो पत्थर को ये लोग गैदर करके वो थोड़ा वो कर देते ताकि लोगों को कन्विंस हो जाए कि जैसा पहले, जैसा टाइम जाता है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पहले 20 लोग जाते थे अभी 200 लोग जाते हैं उधर, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो पत्थरों के ऊपर खड़े रहने के लिए तो वो थोड़ा आगे पत्थर कर देते। दैट्स व्हाट दी ओनली थिंग। तो आप मानते हैं वो अवैध तरीके से बनाया गया था, उस पर अगर प्रशासन आप लोगों से संपर्क करता तो आप लोग भी उसे हटा देते? अगर यही चीज अगर अथॉरिटीज बोलती है कि भाई ये चीज अपने को निकालने का है, तो वी कुड हैव आस्क्ड वहां के बोर्ड के ट्रस्टीज को, हम बोलते थे कि भाई ठीक है इसको साइड से निकाल दो, वी आर कंसर्न विद द चिल्ला, और ग्रेसफुली ये चीज हो जाती, ये अननेसेसरी कमोशन करने की जरूरत ही नहीं थी। और इतना जल्दी जो एक्शन भी हुआ है, जो लोग मेरे को पूछते हैं कि एजेंसी ने एक्शन ले ली, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर इतना फास्ट हमारी एजेंसी अगर वर्क करना चालू कर दे तो मैं समझता हूँ बॉम्बे तो अपना बहुत ही क्लीन हो जाएगा, बट दे शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर।